नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। उद्धव ठाकरे के खिलाफ भले सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके का फैसला सुनाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे के लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती है कि वो अब इस माहौल में जो है किस तरीके से वो बागी विधायकों को अपने साथ बनाए रख पाएंगे। दरअसल इन तमाम जो है बातों के पीछे की बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अगर जो है महाराष्ट्र में सीधे तौर पर ये माना जाए कि बागी विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ जो है नहीं जुड़े रह पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। और उसके लिए ये आप कहिए कि जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सत्ता के पास जो बहुमत का वो आंकड़ा है वो एक तरीके से ख़त्म होता नजर आ सकता है। तो फिलहाल इस समय इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण को लेकर के यही कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं रात की खबर जरूर है, लेकिन अभी तक वो तमाम विधायकों ने उस तरीके से जो है अपने फैसले को नहीं सुनाया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि प्रदेश में इस बार जो है चुनाव में कई बड़े जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीएमसी चुनाव की अगर बात करें खासतौर से, तो बीएमसी चुनाव में ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी कई बड़ी रणनीतियों के तहत जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मात दे सकते हैं, उनके खिलाफ पलटवार कर सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माती चली जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी रूप से कई बड़े जो है उथल पुथल होने की खबरें आ रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर खुद जो है एकनाथ शिंदे ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उनका सिर्फ यही कहना है कि विधायक उनके साथ हैं और उद्धव ठाकरे के जो तमाम सियासी दावे हैं वो बिल्कुल गलत है, इस तरीके का कोई भी मामला आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या खेल होता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट9 न्यूज़ को। धन्यवाद।